Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from Avon Coaching. So students, last video में हम लोगों ने present perfect tense को करना सीख लिया था कि उसको कैसे बनाते हैं और उसके हम लोगों ने affirmative, negative, interrogative and double interrogative चार types के जो sentence बनते हैं जिस तरह से उसको हमने बनाना सीख लिया था, ठीक है। और आज की video में हम देखेंगे कि present perfect continuous tense क्या होता है। उससे पहले एक बात कि जो लोग चैनल में पहली बार आए हो और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखें, अब इंडेफिनिट को देखें, कंटिन्यूअस को देखें, ताकि अगर वो पहली बार टेंस सीख रहे हैं तो उसके लिए बेटर होगा कि वो शुरुआत से देखें तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस दी हुई हैं तो आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में उसके बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता था इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब तो कंटिन्यूअस का मतलब तो मैंने बताया था कि जो भी काम कंटिन्यूअसली हो रहा हो, ठीक है, जो भी काम कंटिन्यूअसली हो रहा होता है तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। अब जैसे मैंने कहा कि तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड, ठीक है। तो तुम खाना खा रहे हो तो क्या हो रहा है, पर काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है कि तुम खाना खा रहे हो, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है, इसमें एड क्या हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि तुम 2 घंटे से खाना खा रहे हो। क्या बोला मैंने, तुम 2 घंटे से खाना खा रहे हो, तुम 2 बजे से खाना खा रहे हो, ठीक है। तो अब जो काम हो रहा है उसमें क्या मेंशन है, टाइम क्या मेंशन है उसमें, अच्छो टाइम उसमें मेंशन है, ठीक है। तुम 2 घंटे से खाना खा रहे हो, तुम 2 बजे से खाना खा रहे हो, तुम 7 बजे से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो इस तरह के सेंटेंस में टाइम क्या होता है, मेंशन होता है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो उसको पहले, सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्या रूल होता है, उसके बाद आपको मैं एग्जांपल लेके करके दिखाता हूं, ठीक है। तो इसके रूल क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद बच्चों हैज बीन और हैव बीन, क्या होगा, has been और have been, ठीक है। हम लोग present perfect में has या have लगाते थे, but इसमें क्या लगेगा, perfect continuous में has been और have been, ठीक है। उसके बाद plus verb की ing form, भाई continuous tense है और continuous tense में हमेशा ing लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले subject, फिर has been या have been में से कोई एक, उसके बाद verb की ing form, उसके बाद क्या लगेगा, plus object, और ऑब्जेक्ट के बाद नया क्या आया देखिएगा, प्लस सिंस या फॉर, ठीक है। सिंस या फॉर में से कोई एक चीज लगेगी, ठीक है, और उसके बाद लगेगा प्लस टाइम, क्या लगेगा, टाइम, जो भी टाइम हो रहा होगा। अब इसमें आपको एक नई चीज दिख रही होगी, सिंस या फॉर, ठीक है, सॉरी तो सिंस या फॉर में से अब कैसे लगता है मैं ये आपको करके दिखाता हूं। देखिए जब कोई भी काम हो रहा होगा, जब कोई भी काम हो रहा होगा, जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अभी क्या है कि 2 घंटे से, यहां पर कोई भी टाइम मेंशन नहीं है, क्या अभी भी टाइम मेंशन नहीं है, मतलब हमें पता नहीं कि मैं 2 घंटे 2 बजे से पढ़ा रहा हूं कि 2:05 से पढ़ा रहा हूं कि 3 बजे से पढ़ा रहा हूं, कंफर्म नहीं है, बट 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। जब कोई भी टाइम निश्चित नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, पता नहीं होता है कब से हो रहा है बट हो रहा है, तो उसमें क्या लगता है, फॉर, क्या लगता है, फॉर। और जब कोई भी टाइम निश्चित हो, जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें 3 बजे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तुम मेरे घर 4 बजे से आ रहे हो, तुम खाना 6 बजे से पका रहे हो, ठीक है। तो जब कोई भी काम क्या है मेंशन है कि खाना कब से बन रहा है, 6 बजे से बन रहा है, ठीक है, तो हमें पता है कितने बजे से बन रहा है, 6 बजे से बन रहा है, तो वहां पर क्या लगेगा, सिंस, वहां पर किस चीज का यूज होगा,
सिंस का यूज होगा। तो इन शॉर्ट, जहां पर टाइम हमारा निश्चित हो, हमें पता हो कि कितने बजे से हम ये काम कर रहे हैं, तो वहां पर सिंस का यूज होगा। और जहां पर हमें कंफर्म नहीं हो कि हम कितने बजे से कोई भी काम कर रहे हैं, वहां पर किसका यूज होगा, फोर का यूज होगा। चलिए एग्जांपल करके देखते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल करके देखते हैं, तो एग्जांपल में क्या ले लें, पहला सेंटेंस, चलिए पहला सेंटेंस मैं ले लेता हूं, तुम 2 बजे से, ठीक है, तुम 2 बजे से खाना खा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर खाना कितने बजे खा रहे हैं भाई, 2 बजे से खाना खा रहे हैं, 2 बजे से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम की मीनिंग क्या होती है, यू, और यू के साथ आप लोगों सबको पता है कि हैज और हैव कब किसके साथ लगता है। जिन लोगों को नहीं पता है तो वो मेरी पुरानी वीडियोस देखें, उनको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो यू के साथ लगता है क्या, हैव, और यहां पर क्या लगेगा, बीन, तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन, क्लियर। अब यू हैव बीन के बाद वर्ब में क्या है, काम क्या हो रहा है, खा रहे हो, काम क्या हो रहा है, खा रहे हो, और खाने की मीनिंग क्या होती है, ईटिंग, ठीक है, ईट, और इसमें क्या लग जाएगा, आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन ईटिंग। अब क्या खा रहे हैं भाई, खाना खा रहे हैं, तो यहां पर क्या लग जाएगा, फूड। अब देखिएगा और समझिएगा, कितने बजे से खा रहे हैं, बोले कितने बजे से खा रहे हैं, 2 बजे से खा रहे हैं, कितने बजे से खा रहे हैं, 2 बजे से खाना खा रहे हैं। तो अब यहां पर क्या टाइम मेंशन है, 2 बजे से, हमें पता है कि वो 2 बजे से खा रहा है, 3 या 4 कंफ्यूजन नहीं है, पता है कि वो 2 बजे से खाना खा रहा है। और जब टाइम हमें निश्चित हो, हमें पता हो कि वो कितने बजे से खा रहा है, तो वहां पर क्या लगता है, सिंस, क्या लगता है, सिंस, यू हैव बीन ईटिंग फूड सिंस, कब से खा रहा है भाई, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, कितने बजे से, सिंस 2 o'clock, क्लियर। तो यहाँ पर टाइम हमें पता था 2 बजे से खा रहा था, इसलिए वहां पर मैंने क्या लगाया, सिंस। और अभी यहीं पर होता कि तुम 2 घंटे से खाना खा रहे हो, 2 घंटे में क्लियर नहीं होता कि 2 बजे से खा रहा है कि 1 बजे से खा रहा है, तो वहां पर हम क्या लगाते, फॉर। चलिए एग्जांपल करके देखते हैं फॉर का भी, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैं तुम्हें तीन घंटे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने क्या लिया है, मैं तुम्हें 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इसको बना के देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो चलिए आप लोग बताइए भाई, मैं की मीनिंग क्या होती है, मैं की मीनिंग बच्चों आई होती है, क्या होती है, मैं की मीनिंग आई, और आई के साथ क्या लगता है, हैज बीन की हैव बीन, जाहिर सी बात है आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। अब उसके बाद बताइए काम क्या हो रहा है, इसमें पढ़ाना, और पढ़ाने की मीनिंग क्या होती है, टीच, क्या होती है, टीच, बट इसमें बच्चों आई कंटिन्यूअस है, तो क्या लगेगा, आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग। अब बताइए काम क्या हो रहा है, आई हैव बीन टीचिंग, तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अब कब से पढ़ा रहा हूं, किसे पढ़ा रहा हूं, तुम्हें, तुम्हें की मीनिंग क्या होगी, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, आई हैव बीन टीचिंग यू, मैं तुम्हें 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग यू। अब 3 घंटे क्या होगा, सिंस की फॉर, बोलिए, सिंस की फॉर मेंशन है 3 घंटे, पता है आपको, मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 5 बजे से, 6 बजे से, 6:05 से, कंफर्म नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या यूज होगा बताए, बोले जी, फॉर, क्या होगा, फॉर। अभी हमें क्या है, टाइम जब मेंशन नहीं होता तो वहां पर क्या लगता है, फॉर, तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 आवर्स, ठीक है, मैं आपको 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 आवर्स, ठीक है। और इस तरह से आप सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बना के सॉल्व कर सकते हैं, और इसको आप लोग लगाते रहें, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में पूरा पैरा आएगा तो करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी हम लोग पैरा भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, अभी जब हमारा टेस्ट कंप्लीट होगा तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे, बोर्ड के एग्जाम से पहले मैं आपको सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा, एक्टिव पैसिव नरेशन जितने भी टॉपिक में सब कंप्लीट करवाऊंगा, और इसका पैसेज भी जो आएगा वो भी मैं आपको
पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन उसको भी दबा दें, और आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हम बहुत अच्छे से करेंगे और अपने सिलेबस को पूरी तरह से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।